अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर फ़ारूक खान है और मैं एल्केयर अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ है और चैप्टर का नाम है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। आज जो हम जिन टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्डिनलिटी एंड मॉड्युलरिटी। In the contents of database, cardinality refers to the uniqueness of data values contained in columns. मतलब कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। हाई कार्डिनलिटी मीन्स दैट द कॉलम कंटेन्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ टोटली यूनिक वैल्यूज। मतलब हाई कार्डिनलिटी अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि जो लार्ज परसेंटेज होगी टोटली यूनिक होगी, बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास डाटा यूनिकनेस में होगा। लो कार्डिनलिटी मीन्स दैट द कॉलम कंटेन्स अ लॉट ऑफ रिपीट्स इन डाटा रेंज। मतलब डाटा की रेंज के अंदर बहुत दफा एक ही डाटा बार बार रिपीट हुआ होगा तो वो हमारे पास कार्डिनलिटी में आ जाता है। ये नीचे डायग्राम है, एम्प्लॉयज है, वर्कर्स हैं, ठीक है, और उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनमें डाटा अगर सेम है, ठीक है, तो वो हमारे पास लो कार्डिनलिटी होगा, और डाटा अगर डिफरेंट है बड़ी तादाद में तो वो हमारे पास लार्ज कार्डिनलिटी, हाँ जी, लार्ज परसेंटेज में कार्डिनलिटी में होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं, वन टू वन का, वन टू मैनी का, मैनी टू मैनी का, जीरो टू नॉन का, ठीक है। उसके बाद रिकर्सिव है। तो वन टू वन क्या होता है? वन टू वन कार्डिनलिटी मीन्स दैट वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज रिलेटेड टू द ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी बी। मतलब ए का, ए जो ए एंटिटी है उसका जो एक इंस्टेंस है वो बी की एंटिटी से रिलेट करता होगा। और जबकि नेक्स्ट वन टू मैनी में क्या है? कार्डिनलिटी मीन्स दैट वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए रिलेटेड टू द मैनी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी। जैसे कि टीचर है, उसका एक ही स्टूडेंट है, ठीक है, और एक ही स्टूडेंट है और एक ही टीचर है, तो वो हमारे पास वन टू वन का रिलेशनशिप है। लेकिन दूसरी साइड पर अगर हमारे पास एक ही टीचर है और पांच स्टूडेंट है या छह स्टूडेंट है या इससे ज्यादा स्टूडेंट है, तो एक ही टीचर सब बच्चों को पढ़ा रहा है, तो हमारे पास वन टू मैनी का होगा। नेक्स्ट हमारे पास मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी कॉर्डिनलिटी मीन्स दैट वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज रिलेटेड टू मैनी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी एंड वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी इज रिलेटेड टू मैनी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी। जैसा कि हमारे पास जो हम नीचे पीछे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं कि एक टीचर है, वो भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को एक ही टीचर नहीं पढ़ा रहा है इसमें मैनी टू मैनी में, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों को मुख्तलिफ टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स के टीचर अलग हैं, मैथ्स के अलग हैं, ठीक है, इंग्लिश के टीचर अलग हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जीरो और नॉन। जीरो और नॉन कार्डिनलिटी मीन्स दैट वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज रिलेटेड टू एनी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी। मतलब कि कोई भी चीज, कोई भी इंस्टेंस यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिकर्सिव। रिकर्सिव कार्डिनलिटी इंस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एंटिटी इटसेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ डायग्राम है, इसको आप देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी बनी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्युलरिटी। कार्डिनलिटी रेफर्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन इंस्टेंस इन वन एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विद इंस्टेंस इन द रिलेटेड एंटिटी। मॉड्युलरिटी रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स एंड इंस्टेंस वन एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विद एन इंस्टेंस इन द रिलेटेड एंटिटी। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ऑप्शनल मॉड्युलरिटी होती है, मतलब मिनिमम नंबर्स का जो रिलेशनशिप होता है उसको शो करती है, जिसको हम ऑप्शनल बोलते हैं,
उसका एक सिंबल भी होता है ओ, ठीक है,